बिहार स्टेट से प्रेसिडेंट हैं और मुस्लिम यूथ लीग को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और मुस्लिमों के इस बात को आगे ले रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति सभी बातों को लेके आगे संघर्ष कर रहे हैं हमारे। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि पूरे भारत वर्ष के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एकदम अफरा तफरी मच रही है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा, ना संविधान की बात करता है ना किसी और की बात करता है, जो चाहता है वो अपने ढंग से जैसे मर्जी बयान दे दिए जाते हैं। इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, आइए हमारे बीच में युवा साथी हैं, बड़ा अच्छे ढंग से समाज को लेके चल रहे हैं। सजाद जी, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास करके आपका मनोज पिपल जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप हमारे बयान को लेने के लिए चल कर के आए, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास करके एसएम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। साजिद जी, आज पूरे मुल्क के अंदर एक तरफ अफरा तफरी मच रही है, एक मुस्लिम समाज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, दलित समाज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, आप यहाँ तक कि बैकवर्ड समाज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, तो इसका क्या चलन हो गया है इस समय, बहुत अफरा तफरी मच रही है। मनोज पीपल जी, आपने अभी एक छोटे से लहजे में बहुत बड़ी बात कह दी कि मुस्लिम समाज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। मुस्लिम समाज जब से दुनिया बनी है कभी वो अपने आप को असुरक्षित कभी नहीं समझेगा वो, क्योंकि इस्लाम के जो मानने वाले हैं और मुसलमान हैं, अगर सच्चे मुसलमान हैं, वो कभी भी किसी भी ज़माने में असुरक्षित महसूस नहीं किया उन्होंने जी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई अच्छी चीज़ उभर कर के सामने आती है तो बुरे चीज़ और बुराई के जो लोग करते हैं उनको ज़रूर उन पेट में दर्द होने लगता है, और उनकी अच्छाई को रोकने के लिए इन लोग तरह तरह की का हथकंडे अपनाते हैं, जिससे पूरे मुल्क के अंदर में जो अभी माहौल आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर में, ये मुल्क के लिए असुरक्षा की बात है, मुल्क के लिए असुरक्षा है। ये सुरक्षा जो है मुल्क के लिए नहीं है जी, है ना। मुल्क को तोड़ने वाला जो साजिश ये लोग रच रहे हैं, ख़ास करके आपने अभी देखा है रविशंकर जी का जो बयान है, क्या है ये रविशंकर ने जो बयान दिया है, मुझे उनसे एक सवाल करना है कि भाई आपको किसने मतलब कह दिया कि आप जाइए लोगों से मिलिए, कौन हैं आप, हु आर यू, आपकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, ना आप कोई पब्लिक के नुमाइंदे हैं, किस हैसियत से आप जाते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो है मिल करके बाहर में, कोर्ट में नहीं बाहर में मिल करके बात कर ले। इस तरह का बयान जो आपने दिया कि मुल्क सीरिया बन जाएगा, क्या आप बताना चाहते हैं मुल्क को, और किस समुदाय को आप डराना चाहते हैं? श्री श्री रविशंकर जी, आप एकदम होश में रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलते बोलते उन साधुओं की तरह हो जाइए जो अभी जेलों के सलाखों के अंदर में बंद हैं। आपके ज़ुबान पे अगर आप ये कह देते अपने बयान में, आप तो साफ तौर पे कहते हैं कि मैंने, आप उसका खंडन कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, और बार बार ये फिर कह रहे हैं कि मुल्क सीरिया बन जाएगा। आप डरा रहे हैं क्या? मुसलमान इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, और मुसलमान को अपने जो यहाँ का कानून है, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्वमान्य है, उसको मानेगा। इससे पहले भी माना था और आज भी मान रहा है। ये मुसलमान ही है जो सुप्रीम कोर्ट को हमेशा मानता रहा है, हमेशा मानता रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर में अमन चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर में भाईचारा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब एक होकर के मुल्क के अंदर में रहे, तभी हमारे मुल्क की पहचान है। और हमारे जो भी लोग डिबेट्स के अंदर में बैठ रहे हैं, उलमा हों या संदीप पात्रा हों या क्या नाम है आपका, एक हैदराबाद का जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का, एक महाराष्ट्र से जीता हुआ वारिस पठान, ये लोग तो समझिए कि वारिस पठान या MIM जो जिस तरह का बयान कर रहा है, ये तो प्योर BJP का साथ दे रहा है शुरू से। बात ये आती है, चाहे मौलाना की बात करें हम या ये गुरुओं की बात करें या संतों की बात करें, सर इन्हें मंदिर के अंदर घंटे हिलाने चाहिए और जो मौलाना है उन्हें मस्जिद के अंदर अपने वो इस तरीके के उपदेश देने चाहिए। वो आम जनता के अंदर आके ऐसा फतवा जारी करते हैं, एक लोगों के अंदर एक ऐसी भय बैठाना चाहते हैं। देखिए, दरअसल आपने देखा होगा इससे पहले भी कि मुस्लिम जो मौलाना हैं, धर्मगुरु
इस्लाम के जो धर्म गुरु हैं ये लोग बहुत कम आया करते थे अब राजनीति में, बहुत कम। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई राजनीति में नहीं, धर्म गुरु को या मस्जिद के अंदर में बैठ के कोई पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए जी। और शुरू से ये चीज़ स्टैंड बना हुआ है। लेकिन जब कोई हमारे पीठ पर हथौड़ा चलाता रहेगा, जब हमको उकसाता रहेगा, हमको पिनअप करता रहेगा, मजबूर होकर के उलमा डिबेट्स में जाना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि इनको डिबेट्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं, क्यों मैं जाऊँगा, क्या फ़ायदा है? आप पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाइए, उनसे आप सवाल कीजिए, वो देश को जवाब दें। आप उलमा हैं, आप पंडित हैं, आपका काम है धर्म को बढ़ावा देना, अपने अपने धर्म को बढ़ावा देना जी। हाँ, आप बताते हैं कि आप नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, ये आप दर्शाते हैं। और आप ही अगर इस तरह का बयान देते रहिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश का कुछ होने वाला है। सजा जी, अभी कुछ पहले तीन तलाक की बात थी, फिर तीन तलाक की बात जो फिर उभर कर आ रही है। देखिए, तीन तलाक की बात थी और तीन तलाक की बात फिर से जो उभर कर के आ रही है, दरअसल इनको परेशानी हो रही है, बीजेपी को बड़ी परेशानी हो रही है कि हमने इतने बड़े मुद्दे को उठाया और जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपना दिया तो बड़े आसानी से मुसलमान इसको मान गए। इनके पेट में यूं दर्द हो गया कि ऐसे कैसे मान सकते हैं, इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा ब्लंडर पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कर दिया हमने। उनको उम्मीद था कि मारकाट होता, दंगा होता, फसाद होता, और कुछ नहीं हुआ। इनको डर इस बात का है कि असल में हुआ, हम तो इतना मेहनत कर रहे थे, तीन तलाक का मुद्दा को उठा रहे थे और एकाएक तीन तलाक का मुद्दा बैठा चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। मुसलमानों ने तीन तलाक के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है उसको सर आँखों पर लिया है। और मुसलमान, मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारा बाबरी मस्जिद के ऊपर में कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कोई भी फैसला देगा, मुसलमान इस देश का अगर मुसलमान है और हिंदुस्तान का मानने वाला और हिंदुस्तान में रहने वाला और इस्लाम का मानने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा। सजाती, कभी कभार हमें ये लगता है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने कई बार हिंदुस्तान की बात करी, हिंदुस्तान की बात करी, लेकिन अभी तक संविधान के अंदर या पुराने जो हमारा इतिहास है वहाँ हिंदुस्तान का नाम नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान का नाम तो हमेशा से रहा है। नहीं सर, हिंदुस्तान का नाम नहीं, भारत वर्ष कहते हैं, भारत का नाम रहा है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इसीलिए तो यहाँ एक गफलतबाजी चल रही है। अब तो अब आपने आप चाहते हैं कि ये भारत को ये पूर्ण जो मतलब एक हिंदू कंट्री माना जाए। मनोज जी, ये बात आपने जो कहा अभी, देखिए हिंदुस्तान को इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। ये जो बीजेपी संगठन, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी और इनके जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, है ना जी। ये तमाम लोग आप देखिए, सोशल मीडिया पर आप जाइए, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, भारत माता की छवि आपको जब आप ढूंढेंगे उस पर लिखेंगे भारत माता, तो उस भारत माता को जब आप देखने के लिए जाएंगे तो आपके दिमाग में एक रहेगा कि एक औरत है जो साड़ी पहनी है, लिबास पे साड़ी उसका पहनावा है और हाथ में एक तिरंगा झंडा ली हुई है, यही हमारे जहन में जाता है। लेकिन जब आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आप देखिएगा कि दो तरह की भारत माता की छवि को दर्शाया गया है, एक के हाथ में भगवा झंडा है, दूसरे के हाथ में तिरंगा है। आप देखिए, अगर मैं गलत कहता हूँ तो कोई भी आदमी डायल कर इसको टाइप करके देख सकता है। ये एक प्लान वे में, आरएसएस प्लान वे में इस तरह का काम कर रही है। और इन्होंने जो अभी जिस तरह का भी पूरे मुल्क के अंदर में जो ये मतलब दो समुदाय को लड़ाने की जो साजिश हो रही है, ये सिर्फ आज से नहीं है, ये आज़ादी से पहले भी हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना चाहते थे और आज भी कर रहे हैं जी, आज भी कर रहे हैं। ये इंडिया भारत है ना, इसको जिस नाम से आप कहें, हम यहाँ पर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर में बहुत तरह के मज़हब हैं, तमाम तरह के लोग, अलग अलग मज़हब के अकीदे के मानने वाले लोग हैं, हैं हर आदमी ने अलग अलग तरीके से अलग अलग हिंदुस्तान के अपना डिफाइन किया, उसको व्याख्या किया जी, है ना। हम इंडिया भी बोलते हैं, हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हम भारत भी बोलते हैं, लेकिन इन लोगों की मंशा क्या है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहे, ना इंडिया रहे ना भारत रहे, ये हिंदुस्तान
हिंदुस्तान, ये इसका, ये लोगों की मंशा यही है। तभी आप विकिपीडिया पर जाइए, आप गूगल में सर्च करके देखिए, गूगल में आप जब देखिएगा तो देखिएगा कि भारत माता की जो छवि दिखलाई जा रही है, एक के हाथ में भगवा तिरंगा है, भगवा झंडा है, और दूसरे के हाथ में तिरंगा है। क्या है सर, किसने डाला है इसको, किसी ने सवाल किया इनसे? सजाद जी, कुछ दिन पहले एक मोहन भागवत जी का भी बयान आया था कि भाई मैं 3 दिन के अंदर वो फोर्स तैयार कर दूंगा कि जो हमारे यहाँ के जो फोर्स है, हमारे यहाँ के जो जो सुरक्षा कर्मी हैं उन पर विश्वास ही नहीं रहा, और ये आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, इससे संरक्षक हैं, वो 3 दिन के अंदर फोर्स को तैयार करना चाहते थे, वो क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, वो असल उनकी उनका काम ही यही है, लेकिन ऊपर वाला सब बैठ करके देख रहा है। ऐसा ऐसा वक्त आया है कि इनको लंगोटी उठा करके भागना भी पड़ा है जगह से, कुछ अपने ऐसे गलत बयानात से, है ना। तो जब आप कुछ गलत कीजिएगा इस देश का, मैंने पहले भी अपने स्पीच में ये बात कहा था कि इस देश का हिंदू बुरा नहीं है, इस देश का मुसलमान बुरा नहीं है। अगर इस देश का हिंदू हिंदू राष्ट्र चाहता तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की हुकूमत होती, बीजेपी की हुकूमत नहीं होती जी। ये मैंने स्पष्ट कहा है कि इस देश का हिंदू जो है वो अमन चाहता है, इस देश का हिंदू जो है वो इस देश के अंदर में खुशहाली चाहता है। यहाँ पर युवाओं को आगे आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि ये देश पूरा है, युवाओं का देश है, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप जिस देश में आप कहते हैं कि युवाओं का देश है, और आपके यहाँ इतने सारे युवा जो हैं वो बेचारे अनपढ़ हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। अरे पहले उनको तो नौकरी तो आप दीजिए, ये कहाँ फंसाए चले जा रहे हैं लोगों को, कौन सी बात आप कर रहे हैं, क्या दे दिया? सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर में हिंदुओं को अपमानित किया है तो ये बीजेपी सरकार ने किया है। आप उठा के देखिए क्या दिया इसने, सिवाय भाषण के, इनके पास भाषण के अलावा और कुछ नहीं है देने के लिए। जब इनको समझ में आता है कि अब 2019 में चुनाव होने जा रहा है, ये अभी 3 तलाक का मुद्दा उठा करके लेके आए, ये राम जन्मभूमि का मामला उठा कर लेके आए, संदीप पात्रा इनके जो हैं वो स्पष्ट, देखिए कल भी आज तक तो उन्होंने डिबेट में कहा कि किसी भी हालत में बनेगा, जो राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं बीजेपी जो स्टैंड लेके चल, सभी नेताओं का ये कहना होता है कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भाई तारीख नहीं बताएंगे तो आप उनसे सवाल कीजिए ना कि तारीख क्यों नहीं बताते। जिस दिन आप तारीख बताएंगे आपकी सरकार खत्म हो जाएगी, आप जान लीजिए, क्योंकि देश का हिंदू इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि इनका मुद्दा ही सिर्फ यही है, दो पार्टी को लड़ाना, मुसलमान को और हिंदुओं को आपस में लड़ाना, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इनको सिर्फ यही चाहिए कि किसी भी तरह से देश के अंदर में एक ऐसा अराजकता फैले ताकि हम सत्ता पर बने रहें, और इनकी मंशा ये पूरी हो रही है। लेकिन ये जो पूरी हो रही है बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, अगर उरूज आता है ना तो जवाल भी आता है। कोई चीज़ अगर न्यूटन का लॉ है, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो उसको नीचे आना है, और आएगा इंशाअल्लाह रहमान, इस बात को आप एकदम आप लिख लीजिए। और मैं ख़ास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी MIM इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लीडर हैं, उन्होंने कल बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर में कि श्री श्री रविशंकर जी ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। उनके बयान को अगर मैं अपने लहजे में कहूं तो मुझे कहना चाहिए था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको कोई हक नहीं बनता है रविशंकर के बयान को खंडन करने का, आपको हक ही नहीं बनता है, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक हो। आप एक तरफ हिंदू मुसलमानों को उकसाते हैं, बीजेपी और बीजेपी के लोग हिंदुओं को उकसाता है, दोनों आदमी एक ही ट्रैक पर आप लोग चल रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है कि ये इस पर करे। और हाँ, रविशंकर ने जिस तरह की बयान दिया है, बहुत खतरनाक बयान दिया है, और मैं समझता हूँ कि इसको तमाम जो अच्छे दल हैं, जो तमाम लोगों को मिल करके इन पर केस करना चाहिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जेल भेजना देना चाहिए। मैं एक अब सीरिया के ऊपर मैं आपसे कुछ टिप्पणी लेना चाहता हूँ। सीरिया पर इस समय इस तरीके का कत्लेआम हो रहा है, बमबारी हो रही है, इस पर आप कुछ अपने बात रखें। देखिए, सीरिया के अंदर में जो कत्लेआम हो रहा है ये इंटरनेशनल मामला है जी, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये तमाम जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को टारगेट किया गया है।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को टारगेट किया, और आज से नहीं शुरू से यही चल रही है ये चीज़। इंशाल्लाह ताला सीरिया के अंदर में अभी जो हालात हैं, हम तमाम लोग दुआ ही कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि यहाँ तो अब तो प्रोटेस्ट करने पर भी बैंड लगा रहा है। आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है, आपको इस जगह पर नहीं करना है, वहाँ करना है जहाँ पर पब्लिक नहीं हो, जहाँ पर आवाज़ नहीं फैले। देश के अंदर में इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितने अखबारात ने और कितने टीवी चैनलों ने दिखलाया है ये आप बताइए आज तक जी। इसलिए हम इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है हमारा, एक पीस मजहब है, ठीक है ना। हम लोग तमाम लोगों को, चूंकि रसूलुल्लाह का पैगाम है कि तमाम अपने पड़ोसी को भी, चाहे वो हिंदू, ये नहीं कहा था कि पड़ोसी में मुसलमान हो, रसूलुल्लाह ने कहा था कि अपने पड़ोसी को भी अपना समझो, जो अपने लिए पसंद करो वो उनके लिए पसंद करो, तो उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं जी। और आपसे मैं स्पष्ट कहूँ कि जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर में दलित और मुसलमान एक हो गया, उस दिन इनकी पतलून ढीली करके रख देगा। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर में मुस्लिम और दलित, यानी एमडी का जो समीकरण है हमारा, अगर एक हो गया तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगा। और इस देश के अंदर में यही है, चूँकि हमने सबसे पहले, आपको मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर पार्लियामेंट जाने का जो शर्फ हासिल हुआ है, यही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उनको अपना राज्यसभा का नुमाइंदा बनाकर पार्लियामेंट के अंदर में भेजा था। मुस्लिम लीग तो एक पहचान है, एक आइडियल है, इसको तो तमाम लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। केरला के अंदर में जिस तरह से मुस्लिम लीग अपने आप को दिखला करके साबित कर दिया कि देखो हम क्या हैं, आज तक हमारे यहां दंगा नहीं, फसाद नहीं, झगड़ा नहीं, क्यों? क्या वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पर इनको घुसने नहीं देते हैं, इनको गंदगी फैलाने नहीं देते। अगर थोड़ा सा गंदा हो भी गया तो उसको हम तमाम लोग मिल करके साफ करते हैं, और उसको एकदम बायकॉट करते हैं ऐसे लोगों को जो नफरत फैला रहे हैं। ये है केरला हमारा जी। आते हैं नवाब अमजवादी जी, जो अभी बहुत अच्छे अपने ख्यालात रखे, और उन्होंने बताया कि इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, चाहे मौलाना है, चाहे इस तरीके के धर्म गुरु हैं, अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं या मौलाना है, इन सभी लोगों को समाज में जाके अच्छी बातों को बताना चाहिए, उनका बातों का प्रसार करना चाहिए। अमन चैनी कैसे बनेगी इस तरीके के कि भाई ऐसा फतवा जारी करते हैं कि जिससे लोगों के अंदर एक पिन चुबाने वाली बात करते हैं, इनको नकारा जाए और इन इस तरीके की ऐसी हरकतें नहीं की जाएँ। कैमरा मैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।